जय हिंद साथियों, मार्कोस टीम पटना गांधी मैदान में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल को। बहुत ज्यादा डिमांड था साथियों कि आप सभी का हॉस्टल पे वीडियो बनाइए। हॉस्टल कैसा है, क्या खाना मिलता है, क्या फैसिलिटीज हैं और पानी किस तरीके का है, क्या वाईफाई है या नहीं है, बहुत सारी चीज है मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ मार्कोस हॉस्टल के बारे में। साथियों, जो सेना की तैयारी करते हैं, यानी अभी एसएससी जीडी की बहाली हुई है, बिहार पुलिस की बहाली होती है और अग्निवीर की बहाली आ गई है, तो नई बहाली में इस बार आपको पता होगा अग्निवीर में पहले एग्जाम लिया जा रहा है। पहले आपका शारीरिक मापदंड नहीं होगा, पहले आपका रिटर्न एग्जाम होगा और जो बंदे उसमें क्वालिफाई करेंगे उसमें फिजिकल में पार्टिसिपेट करेंगे। तो आप सभी को पता है कि इस बार ज्यादा भीड़ नहीं होगा फिजिकल में, इसलिए थोड़ा सा पढ़ाई के साथ साथ आप फिजिकल भी करते रहे और पढ़ाई भी करते रहे। आर्मी वाले बंदे को पढ़ाई पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। अब अपने हॉस्टल के बारे में, सबसे पहले पटना बिहार में एक ऐसा हॉस्टल जहां पे दो तीन लेयर की सुरक्षा से आपको गुजरना पड़ेगा। अभी हमारे हॉस्टल में नीचे भी गार्ड है और ये हमारे पर्सनल गार्ड है जो मार्कोस के हॉस्टल में है। ये यहाँ पे आइए, बच्चे यहाँ पे कैसे रहते हैं, ठीक से रह रहे हैं? ठीक। आप कब कब बच्चे को जाने देते हैं? जब उनको दौड़ना हो तब जाते हैं और फिर कोचिंग करने जाते हैं। कोचिंग करने जाते हैं और दौड़ने के लिए जाते हैं और बाहरी ऐसे जाने नहीं देते हैं? बाहरी ऐसे नहीं जाने देते। ठीक है, अगर कोई इमरजेंसी होता है तो मेरे से बात करने के बाद बच्चे जा सकते हैं, अदरवाइज हॉस्टल से बाहर नहीं जा सकते हैं। अब आइए हॉस्टल की आपको मैं दिखाता हूँ। कहाँ से हो? जंदाहा। किसी की तैयारी करते हैं? मदनिषेध। साथियों, ये जो ये अभ्यर्थियों का रूम है, यहाँ पे छात्र रहते हैं, बिहार सैनिक बल में जाने की तैयारी करते हैं, यहाँ जो रहते हैं वो आर्मी में जीडी में जाना चाहते हैं। तो आप देखेंगे, बात करूंगा और इस वीडियो के माध्यम से आप देख पाएंगे किस तरीके से बच्चे रहते हैं। देखिए, जो फैसिलिटी हमारे यहाँ दी गई है, यहाँ पे एक बेड मिलेगा, गद्दा मिलेगा, सब कुछ मिलेगा आपको, लेकिन ये ओढ़ने का और एक बेडशीट लेके आना पड़ता है। बाबू, खाना पीना कैसा मिल रहा है? अच्छा है खाना? कोई दिक्कत? रहने वहने में पानी वानी की समस्या? पानी पीने का कैसा पानी है? टेंट लगा हुआ है? टेंट कहाँ पे है? उस फ्लैट बगल वाले में। आपका जोर से बोलिए, खाना अच्छा, जोर से बोलिए, जोर से बोलो, खाना अच्छा मिलता है और रहने सहने का व्यवस्था अच्छा है। के बाद सब पूछा कि आज आप दौड़ने क्यों नहीं गए, तो ये कहता है कि आज महाशिवरात्रि है। महाशिवरात्रि है और ये दौड़ने नहीं जाएगा तो इसका बाबा भोलेनाथ इसकी नौकरी लगाएंगे, इसको ऐसा लग रहा है। क्या बाबा भोलेनाथ नौकरी लगाएंगे? देखिए, जो नौजवान लड़के हैं, किसी लड़की के लिए 1600 मुआरी भी कर लेते हैं। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं, पिछले बैच में आए थे ऐसे लड़के जो 1600 मुआरी लड़की के लिए कर रहा था। कहीं आप भी तो उसमें से एक नहीं हो? नहीं ना। तो कोई भी सहना वहना आपके लिए नहीं है यार, आप बहाली की तैयारी कर रहे हैं, नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, आपको सहना नहीं है। आइए आगे, अब नेक्स्ट बंदों से आपको मिलवाता हूं। क्या बात कर रहे हैं? पापा जी हैं। पापा जी से बात हो रही है? आप किस से बात कर रहे हैं? मम्मी से बात कर रहे हैं। ठीक है साथियों, ये भी रूम है जिसमें ये अभ्यर्थी सारे रह रहे हैं और अभी विशेष बैच बिहार फायर बिहार मदनिषेध सॉरी बिहार मदनिषेध बिहार इमरजेंसी सिपाही के लिए आ सकते हैं और जीडी के लिए आ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।